नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे। मैं हूं आपके साथ हिना, लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश दंगल 2019। लोकसभा चुनाव के चार चरणों का मतदान खत्म हो चुका है, इसी के साथ लगभग 70% सीटों पर वोटिंग भी खत्म हो चुकी है। सैकड़ों उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो चुका है, पर बाकी बचे तीन चरणों का चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम है। बीजेपी ने इन तीन चरणों में 139 सीटों में से 2014 के चुनाव में 116 सीटों में जीत हासिल की थी। ऐसे में बीजेपी के लिए असली परीक्षा अब शुरू हो गई है। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी बाकी के तीन चरणों में 2014 के प्रदर्शन को दोहरा पाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा के पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर प्रत्याशियों का भाग्य लिखा जाएगा। इनमें से 2014 के चुनाव में कांग्रेस के गढ़ अमेठी और रायबरेली को छोड़कर बीजेपी ने 12 सीटें जीती थी। इस चरण में कांग्रेस को न केवल 2 सीटों को बरकरार रखने की उम्मीद है, बल्कि वो कम से कम 4 दूसरी सीटें धरोहरा, बाराबंकी, फैजाबाद और सीतापुर में बीजेपी को टक्कर देती नजर आ रही है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन 14 में से 7 सीटों पर कब्जा जमाया था। पार्टी अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। यूपी में जिन 14 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें धरोहरा, सीतापुर, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, बहराइच, कैसरगंज और गोंडा शामिल है। उत्तर प्रदेश की इन 14 सीटों पर अगर कुल मतदाताओं की बात करें तो यहाँ 2.47 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 1.32 करोड़ पुरुष और 1.14 करोड़ महिला हैं और 1321 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं। पांचवें चरण के दौर में बीजेपी के लिए ये सीटें तो साग का सवाल है, लेकिन कांग्रेस की राह भी इन चरणों में कुछ आसान नहीं है। यहाँ कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी बाधा एसपी बीएसपी आरएलडी का गठबंधन है, जिनके पास ज्यादातर सीटों पर बड़ी तादाद में पारंपरिक और समर्पित वोटर हैं। सीटों की बात करें तो धौरहारा में चुनावी मार चौतरफा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यहां रेखा वर्मा लड़ रही हैं, तो कांग्रेस की तरफ से जितिन प्रसाद चुनावी अखाड़े में लड़ने के लिए तैयार हैं। गठबंधन की तरफ से बीएसपी के अरशद सिद्दीकी तो वहीं मलखान सिंह प्रसपा से मैदान में हैं। तराई की ये सीट मनमोहन सरकार में मंत्री रहे जितिन प्रसाद की उम्मीदवारी के चलते हाई प्रोफाइल है। हालांकि वोटर अपना मन बदलते रहते हैं। मुस्लिम ब्राह्मण बाहुल सीट पर जितिन प्रसाद की उम्मीदें खासकर मुस्लिमों के बिखराव पर टिकी है। पिछली बार सपा बसपा ने यहां बराबर वोट हासिल किए थे, जो बीजेपी उम्मीदवार के वोट से 1.18 लाख ज्यादा थे। सीतापुर में बीजेपी ने राजेश वर्मा पर दांव फेंका है। कांग्रेस ने कैसर जहां को उम्मीदवार बनाया है, जो कि 2014 के चुनाव में बतौर बीएसपी कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रही थी, और गठबंधन की तरफ से बीएसपी ने इस बार नुकुल दुबे को सीतापुर से उम्मीदवार बनाया है। पहले चुनाव से लेकर अब तक इस सीट पर तीनों मौके को छोड़कर ब्राह्मण या कुर्मी ही सांसद बना है। 2014 में बीजेपी कभी बसपाई रहे राजेश वर्मा के जरिए 51,000 वोटों की बढ़त से इस सीट पर काबिज हुई थी। राजधानी लखनऊ, जहां बीजेपी की तरफ से 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी का राज रहा, उनके बाद से अटल की ये विरासत राजनाथ सिंह संभाल रहे हैं, और इस बार भी मैदान में बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह हैं। सपा की तरफ से पूनम सिन्हा तो कांग्रेस की तरफ से प्रमोद कृष्णम अखाड़े में हैं। यहां जातीय गणित बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। इस तरह से ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। मोहनलालगंज में बीजेपी के कौशल किशोर बीएसपी की तरफ से सीएल वर्मा और कांग्रेस की तरफ से आरके चौधरी मैदान में है। ये राजधानी लखनऊ का ही हिस्सा है, जहां सियासत और विकास दोनों ही पैमाने पर राजधानी से जुदा है। रायबरेली, जो कांग्रेस का एक मजबूत किला है, सालों से यहां की जनता कांग्रेस को ही जिताती आ रही है। रायबरेली की इस रण में सोनिया के सामने सिपह सालार है। यहां की जनता अब तक उनकी बहू सोनिया गांधी के साथ मजबूती से खड़ी है।
यूपीए चेयरपर्सन इस बार फिर रायबरेली से चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी ने दिनेश प्रताप को मैदान में उतार कर बड़ी चाल चल दी है। दिनेश का परिवार रायबरेली में राजनीतिक रूप से प्रभावी है, गठबंधन ने इस सीट पर अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। इस तरह अमेठी भी सालों से कांग्रेस का साथ दे रही है। गांधी परिवार की इस परंपरागत सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनौतियों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। उनका मुकाबला सीधे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी से है। इस रण में पिछली बार स्मृति करीब 1,00,000 वोटरों से हार गई थी, बावजूद वो अमेठी में इन 5 सालों में बेहद सक्रिय रही है और इस बार मजबूती से फिर मैदान में आ गई है। गोंडा में इस बार राजा बनाम पंडित की लड़ाई ने जंग को खास बना दिया है। इस बार मैदान में बीजेपी की तरफ से कीर्ति वर्धन सिंह, गठबंधन की तरफ से सपा के विनोद उर्फ पंडित सिंह और कांग्रेस की तरफ से कृष्णा पटेल खड़ी हुई है। इस लोकसभा में ब्राह्मण वोटर्स की अच्छी तादाद बीजेपी को मुकाबले में लाती है। बहराइच में बीजेपी की तरफ से अक्षयवर लाल गौड़, गठबंधन की तरफ से सपा के शब्बीर अहमद तो कांग्रेस की तरफ से सावित्री बाई फुले मैदान में आकर चुनावी जंग को बेहद दिलचस्प बना रही हैं। कौशाम्बी में राजा की एंट्री से चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से साध्वी निरंजन, बसपा की तरफ से सुखदेव प्रसाद और कांग्रेस की तरफ से राकेश सचान मैदान में है। इस सीट पर सपा बसपा के प्रभाव का आकलन इससे किया जा सकता है कि त्रिकोणीय लड़ाई में बीजेपी 42,000 वोटों से ये सीट जीत पाई थी। हालांकि बीजेपी की ये सुरक्षित सीट अब असुरक्षित दिखाई दे रही है। फैजाबाद यानी भगवान श्री राम की नगरी में बीजेपी की तरफ से लल्लू सिंह, गठबंधन में सपा की तरफ से आनंद सेन और कांग्रेस की तरफ से निर्मल खत्री चुनावी मैदान में हैं। हमें देखना ये होगा कि श्री राम किसका बेड़ा पार करेंगे, क्योंकि देश की सियासत बदलने वाली रामनगरी समय समय पर सांसद बदलती रहती है और हर दल को मौका दे चुके फैजाबाद में भाजपा का वनवास 1999 के बाद 2014 में लल्लू सिंह की जीत के बाद खत्म हुआ था। मोदी लहर में यहाँ बीजेपी को सपा बसपा और कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले थे। इस बार दमदार त्रिकोणीय मुकाबला है। बता दें कि कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने 5वें चरण पर खास तौर से जोर लगाया है और उन्होंने इन सभी सीटों पर प्रचार किया है। जहां पार्टी को 2014 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 5वें चरण के रण में कौन अपनी नाक बचा पाता है। लखनऊ, अवध की शान, जहां पहनावे से लेकर जायके तक और जायके से लेकर सियासत तक सब कुछ मजेदार है, इसी अवध की शान यानी कि नवाबी शहर में 6 मई को मतदान होने जा रहा है। आपको बताते हैं धर्म और जात के ऊपर लखनऊ के मिजाज के बारे में, जहां अटल आए और सदैव अटल बनकर ही रहे। देश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सीट का नाम आता है। गोमती के किनारे बसे लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। मान्यता है कि इसे भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने बसाया था, तो कुछ लोग इसे लखन पासी के शहर के तौर पर जानते हैं। यहाँ का दशहरी आम और चिकन की कढ़ाई के साथ लखनऊ का गलावटी कबाब हर कोने में मशहूर है। नवाबी शहर का जायका कितना मशहूर है, उससे भी ज्यादा तीखी है यहाँ की सियासत, जिस पर 90 के दशक से ही बीजेपी का राज रहा है। यहाँ के गलियारे आज भी अटल बिहारी वाजपेयी के किस्से सुनाते नजर आएंगे, चाहे राजा की ठंडाई हो या फिर पूरी खस्ती की दुकान जहाँ अटल जी बड़े चाव से जायका लेते थे। देखिए अटल जी का या हमारे महाहिम टंडन ताऊ जी का, इन लोगों का एक हमारा पारिवारिक संबंध हो चुका था और लखनऊ की मोहब्बत और लखनऊ की पुरानी बैठक, लखनऊ के पुराने लोगों की ये अच्छे प्यारे भरे शब्दों का एक दूसरे का आदान प्रदान, इस पीछे अटल जी और टंडन जी चौक के अंदर बैठने में बहुत उनको आनंद आ। टंडन जी तो हमारे चौक के ही हैं, हमारे घर के ही हैं, हमारे ताऊ हैं,
तो इसी प्रकार से और अटल जी का भी चौक से बड़ा अच्छा रिश्ता रहा। अटल जी की ये सादगी लखनऊ वासियों को इतना भा गई कि उन्होंने अटल जी को ऐसा चुना कि सपा बसपा का इस सीट पर आज तक खाता भी नहीं खुल सका है। इस सीट पर 1991 से बीजेपी का कब्जा है। मौजूदा समय में अटल की विरासत केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ से सांसद बनकर संभाल रखी है। देखिए, लड़ाई तो सबकी होगी और इस समय भाजपा की कोई वक्त नहीं है। इस समय चेहरा है मोदी और मोदी की साफ साफ स्वच्छ सभी छवि और कार्य को देखते हुए हमें नहीं लगता है कि लखनऊ से मोदी जी के अलावा कोई जीतेगा। और ये जीत बीजेपी की नहीं, मोदी जी की होगी। बात रही कर पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी का कोई बहुत अच्छा योगदान नहीं रहा। जब से फुल फ्लैश लोग आए हैं बहुत अच्छा, लेकिन रही लखनऊ की सीट की, क्योंकि यहाँ पर राजनाथ सिंह हमारे जो है कैंडिडेट रहेंगे और उनको जनता पसंद करती है, तो बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जी इस बार भी विजय प्राप्त करेंगे लखनऊ की सीट से। भाई देखिए, इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनाथ जी खुद बहुत ही उम्दा टाइप के आदमी हैं, हमारी कई बार उनसे मुलाकात भी हुई है जब वो हमारे चीफ मिनिस्टर भी थे और अब सांसद भी हो गए। उनमें कोई हमें इख्तलाफ नहीं, वो बहुत ही संजीदा आदमी है। लेकिन दिक्कत आज की बीजेपी से जो है, जो अटल जी की अब नहीं रही, इसमें सबसे ज़्यादा एरोगेंट जो हैं वो अरुण जेटली हैं। अब तक देश में 16 लोकसभा चुनाव हुए हैं, इनमें ये सीट 7 बार बीजेपी के खाते में रही है और 6 बार कांग्रेस के। हालांकि कांग्रेस अपनी हार का कारण बोफोर्स घोटाला मानती है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जनता दल, भारतीय लोक दल और निर्दलीय ने एक एक बार जीत दर्ज की है। बात करें अगर सपा और बसपा की, तो इस सीट पर उनका खाता भी नहीं खुल सका है। यहाँ तो ना तो बसपा का सर्वजन हिताय नारा काम करता है, ना ही सपा का यादव मुस्लिम कार्ड। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में हेमवती नंदन बहुगुणा भारतीय लोकदल से जीतकर संसद पहुंचे। हालांकि 1980 में कांग्रेस ने एक बार फिर से शीला कौल को यहां से चुनावी मैदान में उतारकर वापसी की। वो 1984 में चुनाव जीतकर तीसरी बार सांसद बनने में कामयाब रही। 1989 में कांग्रेस की हाथों से जनता दल के मानधाता सिंह ने ये सीट ऐसी छीनी कि फिर दोबारा ये सीट कांग्रेस को वापस नहीं मिली। 90 के दशक में बीजेपी के गद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ संसदीय सीट से मैदान में उतरकर जीत का जो सिलसिला शुरू किया, वो थमा नहीं। 84 से 80 का चुनाव शीला कौल जी ने जीता। 89 में एक बोफोर्स के मुद्दे को लेके, एक झूठे प्रचार को लेके कांग्रेस यहाँ से चुनाव हारी और जनता दल के मानधाता सिंह यहाँ चुनाव जीते। उसके बाद चूंकि अटल जी देश की बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे, उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बना लिया लखनऊ, तो ये सही है कि वो तब से लेके, लेकिन ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ है जो कांग्रेस ने उनको वॉकओवर दिया है। हर चुनाव में जब अटल जी जैसी शख्सियत भी चुनाव लड़ती थी, तो निसंदेह हमारे यहाँ से जो भी प्रत्याशी लड़ा है, अटल जी को घर घर जाना पड़ा है, अटल जी को यहाँ रुकना पड़ा है। देखिए, आपको बता दें कि पहले पूरे देश में ही कांग्रेस की बात होती थी, लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी तो रही नहीं। वो इंदिरा कांग्रेस हुई रजिस्ट्रेशन के बाद, और वो जो पुराने नेता थे जिन्होंने वास्तव में आज़ादी की जंग में लड़ाई लड़ी थी, वो दरकिनार कर दिए गए। आज एक परिवार का आधिपत्य हो गया और जिस तरह से घोटाले की पर्याय कांग्रेस पार्टी हो गई, इसलिए उसे जनता ने हटा दिया। लखनऊ का सियासी इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है। एक नजर डालते हैं पिछले 5 चुनावों के परिणामों पर। 2014 राजनाथ सिंह 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। 2009 लालजी टंडन ने कांग्रेस की रीता बहुगुणा को 40,901 वोटों से हराया। 2004 अटल बिहारी वाजपेयी ने सपा की डॉक्टर मधु गुप्ता को 2,18,375 वोटों से हराया। 1999 अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस के डॉक्टर कर्ण सिंह को 1,23,624 वोटों से हराया। 1998 अटल बिहारी वाजपेयी ने सपा के मुजफ्फर अली को 2,16,263 वोटों से हराया। 1996 अटल बिहारी वाजपेयी ने सपा के राज बब्बर को 1,18,671 वोटों से हराया।
पिछले 7 लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगातार जीत दर्ज कर रही है। 2014 में लखनऊ संसदीय सीट पर 53.2% मतदान हुए थे। इस सीट पर बीजेपी के राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी को 2,72,749 वोटों से मात देकर जीत हासिल की थी। हालांकि अब रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी के साथ हो गई है और प्रयागराज सीट से पार्टी के टिकट पर रणक्षेत्र में उतरी है। अब 2019 में इस सीट को कांग्रेस ने दोबारा जीतने के लिए प्रमोद कृष्णम पर दांव चला है और 3 दशक के अपने वनवास को इस बार खत्म करने की कोशिश कर रही है। यूपी की सियासी पाठशाला लखनऊ, जहां पर कांग्रेस को 3 दशक से ज्यादा हो चुके हैं दूर हुए, ऐसे में कांग्रेस गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आगे किस कैंडिडेट को उतारती है जो अपना खोया हुआ तिलिस्म कांग्रेस को वापस दिला सके। देखना यह होगा कि आखिर गृह मंत्री एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। आखिर अटल की ख्याति को एक बार फिर बरकरार रख सकते हैं या फिर कांग्रेस अपना आधिपत्य जमाने में कामयाब रहेगी। कैमरा अरविंद शाही के साथ रामनुज भट्ट, लाइव टुडे, लखनऊ। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। के बाद स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए सबसे बड़ी कवरेज करने के लिए लाइव टुडे की टीम निकल पड़ी। प्रदेश के कई जिलों से होकर टीम पहुंची सीतापुर, जहां पर हमने जनता से बात की और वहां का सियासी समीकरण भी समझा। यहां अभी बीजेपी के राजेश वर्मा सांसद हैं, आप भी देखिए सीतापुर का सियासी खेल। इसी समय सीतापुर के नेत्र अस्पताल की पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में अलग अलग पहचान है। लोग देश के कोने कोने से यहाँ अपना इलाज कराने आते थे। अस्पताल तो आज भी है लेकिन अपनी पुरानी पहचान नहीं कायम रख सका है। शासन की अनदेखी की वजह से अस्पताल की पहचान चली गई है। ऐतिहासिक पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य दुनिया भर में प्रसिद्ध है लेकिन इस पर्यटन स्थल को और विकसित करने के लिए कोई काम नहीं किया गया है। कहीं कोई काम धरातल पे कुछ नहीं है। संसद पब्लिक के लिए कुछ काम करने वाला होना चाहिए लेकिन सरकार की योजना जो है तो सरकार जनता के लिए कुछ नहीं है। सब जीतने के बाद सब हवा हवाई रहते हैं। अब एक प्रत्याशी जो गठबंधन का वो बाहर का है, जीतने के बाद लौट के आएगा नहीं दोबारा, लेकिन जनता की मजबूरी है। किसी को चुनेंगे, वोट अपना देना है, मतलब मतदान तो करना ही है, मजबूरी अपनी है। बगैर मतदान दिए तो कुछ है नहीं। 2019 में साफ सुथरी जिसकी छवि हो और जो विकास का काम करे उसको वोट देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो सांसद हैं ये इसके पहले भी सांसद रह चुके हैं और कहीं भी कोई विकास नहीं दिखाई दिया, ना ये कभी दिखाई देते हैं। उनके द्वारा सीतापुर शहर में तो कोई विकास ऐसा नहीं दिखता है जो दिखाई दे। सीतापुर शहर में आज से करीब 1-1.5-2 साल पहले लालबाग चौराहा, बस स्टॉप पे नए पार्क बने थे, ट्रैफिक व्यवस्था हुई थी, तो उस दिन जिस दिन उसका उद्घाटन हुआ था उस दिन वो फव्वारे चलते हुए हम लोगों को दिखे थे। उसके बाद से वो सब जीर्ण शीर्ण हो गए, उसमें का आधा सामान चोरी हो गया और वो उसी कंडीशन में पड़े। 2014 में बीजेपी के राजेश वर्मा ने यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को करारी मार दी थी। इस सीट पर कुर्मी समुदाय के लोगों का प्रभाव है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन होने से एक बार फिर यहां का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। गठबंधन से पूर्व कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे और कांग्रेस से पूर्व सांसद कैसर जहां को उम्मीदवार बनाया गया है। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां पर करीब 16,53,535 मतदाता है, जिसमें 55% पुरुष हैं और 45% महिलाएं शामिल हैं। अगर बात करें 2014 के चुनाव की तो यहां पर सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में सांसद राजेश वर्मा को टिकट देकर चुनावी समर में उतारा था, जिसमें 4,17,000
मत उनको मिले थे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कैसर जहां को चुनाव मैदान चुनावी समर में उतारा था उनको 3,66,000 मत प्राप्त हुए थे। अगर सपा समाजवादी पार्टी की बात करें तो भरत त्रिपाठी को 1,56,000 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस की वैशाली अली को करीब 29,000 मत मिले थे। अगर यहाँ के वोटरों की बात करें तो यहाँ पर वोटरों का साफ तौर पर कहना है जो भी विकास करेगा जो भी विकास के वादे करेगा जो भी धरातल पर जो विकास मौजूदा सांसद के द्वारा अभी तक नहीं कराया गया है सिर्फ विकास के नाम पर यहाँ की जनता अपना सांसद चुनना चाहती है। यहाँ के सांसद के द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया है ऐसा मतदाताओं का कहना है। सीतापुर सीट 1952 के चुनाव से ही ये सीट चर्चा का विषय बनी रही। 1952 और 1957 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस की ओर से उमा नेहरू ने चुनाव जीता था। उमा नेहरू रिश्ते में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भाभी लगती थी। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई श्यामलाल से शादी की थी। 1962 और 1967 के चुनाव में यहाँ भारतीय जनसंघ ने जीत दर्ज की थी। हालांकि 1971 में एक बार फिर कांग्रेस ने यहाँ वापसी की। 1977 में जब यहाँ आपातकाल के बाद चुनाव हुए तो कांग्रेस को यहाँ मुंह की खानी पड़ी। 1977 में भारतीय लोकदल यहाँ से चुनाव जीता। फिर 1980, 1984 और 1989 में कांग्रेस ने यहाँ से जीत की हैट्रिक लगाई। 1990 में जब देश भर में मंदिर आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी तो बीजेपी की भी किस्मत जागी। 1991 का चुनाव यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम लिया। 1996 में समाजवादी पार्टी और 1998 में बीजेपी ने यहाँ से चुनाव जीता। 1999 से लेकर 2009 तक बहुजन समाजवादी पार्टी ने लगातार 3 बार चुनाव जीता। लेकिन 2014 का चुनाव मोदी लहर के दम पर बीजेपी के खाते में ये सीट चली गई। सीतापुर लोकसभा सीट पर कुर्मी वोटरों की संख्या निर्णायक है। यहाँ करीब 16 लाख वोटर हैं, जिनमें 8 लाख पुरुष और करीब 7.5 लाख महिला वोटर हैं। इस सीट पर कुर्मी 2.5 लाख, ब्राह्मण 1,80,000, ठाकुर 1,25,000, दलित 4,50,000, मुस्लिम 3,50,000, यादव 1,35,000 वोटर हैं। सीतापुर में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें सीतापुर, लहरपुर, बिस्वान, सेवता और महमूदाबाद विधानसभा सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में इनमें से सिर्फ महमूदाबाद सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, बाकी सभी सीटें बीजेपी के पास गई थी। 2014 में यहाँ कुल 66% मतदान हुआ था और बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी में आए राजेश वर्मा ने जीत हासिल की थी। राजेश वर्मा को कुल 40% वोट मिले थे, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से कैसर जहां को कुल 35% वोट प्राप्त हुए थे। कैसर जहां 2009 में यहां से सांसद रह चुकी हैं। 2014 का जनादेश, उम्मीदवार राजेश वर्मा, पार्टी बीजेपी, 4,17,546 वोट। कैसर जहां बीएसपी, 3,66,519 वोट। भरत त्रिपाठी एसपी, 1,56,170 वोट। वैशाली अली कांग्रेस, 29,104 वोट। इस बार के चुनाव में मुकाबला बीजेपी और गठबंधन प्रत्याशी के बीच है। कांग्रेस ने पूर्व सांसद कैसर जहां को टिकट देकर मुकाबला और दिलचस्प कर दिया है। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर जो है 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। आप साफ तौर पे अगर वोटरों की बात करें तो वोटरों का साफ तौर पर यही कहना है कि यहाँ पर जो प्रत्याशी इसमें लोकसभा चुनाव में खड़े हुए हैं त्रिकोणीय मुकाबले के आसार साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। इसमें बीजेपी, कांग्रेस और गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं पर जो है अहम भूमिका निभा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विभू शुक्ला के साथ समी अहमद, लाइव टुडे, सीतापुर। नंगल 2019 के हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको चुनावी दंगल से दिखाकर जाते हैं 10 अहम खबरें। आचार संहिता मामले में मोदी और शाह के चीफ जस्टिस नहीं करेंगे सुनवाई, जस्टिस दीपक गुप्ता, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच करेगी सुनवाई। नागरिकता मामले में गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी से 15 दिन में मांगा जवाब, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। राहुल को नोटिस भेजे जाने को राजनाथ ने बताया सामान्य कार्रवाई, कहा कि नोटिस के बाद राहुल के जवाब का है इंतजार। बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने भरी हुंकार,
कहा कांग्रेस के नसीब में नेता विपक्ष का भी पद्म। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आज मध्य प्रदेश दौरा, टीकमगढ़ में चुनावी जनसभा को किया संबोधन। पीएम मोदी का तूफानी प्रचार अभियान जारी, यूपी के बहराइच और बाराबंकी में करेंगे जनसभा। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी ने भरी हुंकार, कांग्रेस पर जमकर बोला हमला, कहा कांग्रेस के 55 साल बीजेपी के 5 साल के बराबर। आज कांग्रेस के गढ़ में गरजेंगे सीएम योगी, बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के पक्ष में मांगेंगे वोट। अमेठी में धुआंधार प्रचार में जुटी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के पक्ष में करेंगी जनसभा, भाई राहुल के से मांगेंगी वोट। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा, मंदिर में की पूजा अर्चना, मुस्लिम धर्मगुरुओं से की मुलाकात।